हमने तो आपको हेलीकॉप्टर में भी देखा था। अच्छा? मतलब आपने हमको देखा होगा। हैं? अच्छा, हेलीकॉप्टर पे हम कैसी लग रही थी बहन? आपने हमको देखा होगा, हम नहीं देख पाए हम हेलीकॉप्टर। चलो ठीक है बहन जी, पूछो क्या बात। हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। बोलो बहन क्या बात। कारण? हाँ, दो बात। हाँ, और हमने तीन बातें टोटल लिखी, दो मैन हैं, एकता बनी रहे, पति की अर्जी दरबार में लेकर आई हैं, पैर में उनके रॉड चोट के कारण डरी है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं बनना है, न उसकी चिंता करें, घर मकान स्वयं का 1.5 साल के अंतर्गत हो जाएगा, आशीर्वाद है। देवी माता की उपासना करते हैं आप? माइक माइक ले लो, माइक से बहुत अच्छा। आप देवी माता काली की उपासना करती हैं? नहीं, मैं चालीसा करती हूं दुर्गा चालीसा। अच्छा ठीक है, तो नित्य करती हैं? नींबुओं की माला देनी है, ठीक। आपके कुल देवता कहाँ है? ये हमें नहीं पता। ये आपके यहाँ नहीं है कुल देवता? ये हमें भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि कुल पूजा भी नहीं हो रही, आप कोई भी कुल पूजा नहीं करते, ना कोई कुल देवता आपको जानकारी में। इसके पहले आप परिवार में जानकारी लीजिए, वहां से बहुत ज्यादा फॉल्ट है, और नहीं लगे तो मंगलवार को पेशी में आना ही है बहन, हम आपको पूरी डिटेल और पूजा सहित लिख देंगे, और बिना कुल देवता की कृपा के मकान का काम चूंकि असंभव है, जो हमने डिटेल ली है, इसीलिए एक बार बीच में तय हो गया था और फिर वहां से वापस हो गया सब, और पैसा भी वहां का फिर मिट गया, वो भी आपने खर्चा कर लिया, एक जगह पहले बयाना दे दिया था आपने, ठीक है, 1.5 लाख रुपया के लगभग पहुंच गया था। माइक से बोलो। हाँ बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। ये कारण है, हमने जो डिटेल निकाली उसमें कुल देवता का रोड़ा बन रहा है, तो पहले कुल देवताओं को आप जानिएगा, आप ना जान पाए तो हम अपने गुरुदेव सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके मंगलवार को बताएंगे, लेकिन पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है, और भजन बहुत करो, भगवती की ध्यान बहुत करो, नींबुओं की माला चढ़ाओ, उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना, भय में आप दिन ना रात रहती हैं, अब वो चोट लगने के कारण चूंकि एक्सीडेंट था उनका, इस कारण से जो है हुआ, आगे नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो कह दिया आशीर्वाद सीताराम। लेकिन कुल देवताओं का बहन कर लीजिएगा पता, हाँ नहीं तो वो मामला बिगड़ता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, माता जी यहां आ जाइए। कहां से आई आप? माइक ले लो। कहां से आई? केसरपुरा से। कहाँ पड़ता है? ये सुहासड़क पास, सुहासड़क पास। साधु जी, बोलो क्या बात है? बहुत कष्ट आता है। क्या हो गया? लड़ाई दंगा भी होता है और नाना भी नहीं पढ़ नहीं रहा, लड़का भी नहीं पढ़ रहा, लड़का है, लड़का भी नहीं बननी रहा, और तीन लड़ाई दिखा बहुत। लड़का को क्या हो जाता है? वो आप रुपये क्या ही कर लेता है, न्यू ईयर से वेंडा पेर हो जाता है। और पूछो। उनकी शादी नहीं हो रही तीन की, इनने लड़ाई किसकी? बलवंत सिंह की। बलवंत सिंह कौन है? बलवंत सिंह पुत्र। ठीक, एक और पूछो। राजन सिंह प्रश्न, प्रश्न और। पढ़ी लिखी हो आप? नहीं। किसी को बुलाएंगे तो बड़ा देर लगेगा। आप में से है कोई पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा? थोड़ा जल्दी आ जाओ। हाँ कोई भी एक आ जाओ दौड़ के, लेकिन दौड़ के आ जाओ, जो जल्दी आ जाए वो आ जाओ। आ जाओ पंडित जी, आने दो, थोड़े जल्दी आओ। राम, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, खेजड़िया सरकार की,
पशुपतिनाथ भगवान की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब गुजराती, आप बैठ जाओ, भगवान दंडवत। अच्छे से कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं? आपके घर में देवी नाराज है, इस कारण से आपके यहाँ लड़ाई होती, जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं, बालक के विवाह में रुकावट बनी हुई है, 3 साल से बलवंत राजन आदि का विवाह योग अगले वर्ष संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। आप इनकी भाषा में समझाओ ना इनको, जो कौन सी भाषा है इनकी? अच्छा मालवी। हाँ, इनसे पूछो कि कोई आपने माता की बोलना बदना कही थी? पैदल की शादी हो जाएगी तो पैदल पैदल जाने, वही ना? हाँ, तो वो वाली भी अर्जी बता दो, आप स्वीकार हो गई? वो अर्जी स्वीकार हो गई, वहां तक आपकी जो अपने माता की लगाई है वो वाली भी स्वीकार हो गई, उसका भी निष्कर्ष आ गया है, और जाओ जल्दी, तुम्हारे घर पे बहू आए, माता जी के वहां जानो, राती जी को देणो, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की।